हेलो एवरीवान डो यू नो वॉट इज द बेस्ट मेथड टू टर्न ऑफ योर व्हीकल आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को एक्चुअली आपके पास दो मेथड रहते हैं इंजन को बंद करने के फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये है इंजन किल स्विच एंड सेकेंडली आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे की फॉप पहले रहता है आप चाबी को रोटेट करते हैं की को आप रोटेट करते हैं की को घुमाते हैं एंड आपकी चाबी आपका जो इग्निशन है वो पूरी प्रॉपरली बंद हो जाता है बट डिफरेंस है एक्चुअली अगर आप इंजन के स्विच से अपनी गाड़ी को बंद करते हैं तो पूरा इग्निशन आपका क्लोज नहीं होता है लेकिन आपके जो मेन आपका स्पीडोमीटर है यानी कि आपका जो ये मेन वाला यूनिट रहता है और आपका जो लाइट्स है आपके जो इंडिकेशन है आपका जो हॉर्न वगैरह है वो सब ऑन रहता है बट अगर आप यहाँ से डायरेक्ट बंद करते हैं तो आपकी गाड़ी का सारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो सिस्टम है वो पूरा क्लोज़ हो जाता है बट कौन सा बेस्ट मेथड है एक्चुअली दोनों ही बेस्ट मेथड है आप समझिए कैसे अगर आप फ्रीक्वेंट इंजन स्विच का यूज़ करते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली, वाली बात नहीं है एंड अगर आप फ्रीक्वेंट इसका यूज़ करते हैं यानी कि अपने की फॉप वाले एरिया का यूज़ करते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट ज़्यादातर मेरे हिसाब से अगर आप कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यानी कि समझ तो लीजिए पंद्रह से बीस या फिर तीस सेकेंड तीस सेकेंड चालीस सेकेंड के लिए आप अपनी गाड़ी का इग्निशन बंद करना चाहते हैं तो बेटर यही रहेगा कि आप इंजन के स्विच का यूज़ कीजिए एक्चुअली क्या होता है कि आजकल की गाड़ियों में ई प्रोवाइड किया जाता है अब ई कोई फॉल्ट आपकी गाड़ी में बताए या फिर क्या होता है कि जब हम गाड़ी को फुल्ली यहाँ से बंद करते हैं की वाले एरिया से तो होता क्या है कि गाड़ी को जब हम फिर से जब ऑन करते हैं तो गाड़ी फिर फिर से पूरी वो स्टार्ट होती है फिर अपने ई को परफॉर्म करती है ई सी चेक करते हैं कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इलेक्ट्रिकल सर्किट कोई डैमेज तो नहीं है तो फू फिर से वे एक पूरा प्रोसेस कम्प्लीट होता है फिर से वो पूरी एक साइकिल कम्प्लीट होती है बट अगर हम डायरेक्टली इंजन के स्विच की हेल्प से अपनी व्हीकल को बंद करते हैं तो क्या होता है सिर्फ जो है इंजन पावर ऑफ होता है यानी कि सिर्फ इंजन जो है वो बंद हो जाता है बिकॉज क्या होता है कि स्पार्क प्लग जो है आपका डीएक्टिवेट हो जाता है बिकॉज स्पार्क प्लग डीएक्टिवेट होता है तो उसमें इग्निशियन डिपॉज स्पार्क प्लग वर्क नहीं करेगा वर्क नहीं करेगा तो इंजन में कंबशन पैदा नहीं होगा इंजन में कंबशन पैदा नहीं होगा तो इंजन आपका चलेगा नहीं यानी कि आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं चाहे आप इंजन के स्विच का यूज़ कीजिए चाहे आप की फॉफ वाले एरिया का यूज़ कीजिए दोनों में से कोई इश्यू वाली बात नहीं है बट लिमिटेड यूसेज में यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंट अगर आप यानी कि 40 से 50 सेकंड के लिए वेट कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ कीजिए एंड अगर आप अपनी गाड़ी को बंद कर रहे हैं दो से तीन मिनट के लिए तो आप की ऑफ वाले को यूज़ कीजिए बिकॉज़ क्या होता है ना कि आजकल की बी एस गाड़ियों में इसकी जो लाइट्स रहती है हेडलाइट्स वो हमेशा के लिए ऑन रहती है ऑल टाइम वो ऑन रहती है तो बैटरी भी हमें बचानी है तो बैटरी बचाने के लिए आप ये वाले सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं तो दोनों में से और अगर बात की जाए कि अगर मैं बार बार इसका यूज़ करता हूँ इंजन के स्विच का फिर मैं बार बार इससे बंद करता हूँ तो मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी तो जी नहीं आपकी गाड़ी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज आपको नोटिस कीजिए कि पहले के टाइम पे आपको इंजन की स्विच प्रोवाइड नहीं किया जाता लेकिन अब इसको प्रोवाइड किया जाने लगा है अब आप कंपनी की तरफ से आपको ये दिया जाने लगा है लेकिन पहले के टाइम पर आपको सिर्फ ये की फॉफ वाला एरिया ही मिलता था जिससे आप अपनी गाड़ी को टर्न ऑफ करते थे तो जी हाँ दोनों में से कोई भी इशू वाली बात नहीं आप चाहे जिससे भी यूज़ कर सकते हैं बट अपने यूसेज के अकॉर्डिंग अगर आप कम टाइम के लिए बंद करना चाहते हैं अपनी गाड़ी को तो यहाँ से ही बंद कीजिए एंड अगर आप थोड़े से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बंद करना चाहते हो आप कीफ़ ऑफ वाले एरिया का यूज़ कर सकते हैं होप सो आज की वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी थैंक यू सो मच वॉच Love you all, guys.